Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all the modes of computer assisted instruction, that is CAI. Already I have discussed with you the history, definitions and advantages and disadvantages of CAI, and now the turn is of modes of computer assisted instruction. कंप्यूटर सहायित अनुदेशन, इसकी बात हो गई. हिस्ट्री हम शुरुआत करते हैं, कब शिक्षा में कंप्यूटर आना शुरू हुआ. तो सिडनी एल प्रेसी ने जब अपनी टीचिंग मशीन बनाई, जब स्किनर साहब के ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बने और धीरे धीरे कंप्यूटर शिक्षा में आ गया. तो अब बात हो रही है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के, हम लोग ने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लिए. अब बात हो रही है कि कौन से वो तरीके हैं, कब कब कहाँ कहाँ कैसे किन रूपों में आप CAI को यूज कर सकते हैं, है ना, क्लासरूम में. तो सबसे जो देखिए ऊपर के आप कह सकते हैं तीन या चार या पांच जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप कहीं भी सर्च करेंगे लिटरेचर में, बुक्स में, आपको यही मिलेंगे. ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ट्यूटोरियल, सिमुलेशन, इंस्ट्रक्शनल गेम्स एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिमॉन्स्ट्रेशन और मिनी प्रोग्रामिंग फॉर CAI. आप सब समझ सकते हैं कि ये मतलब लेटेंट हैं, सब टेस्ट हैं, सब यूसेजेस, सब मोड्स हैं. लेकिन मोस्टली मेनली मेन इंपॉर्टेंस इसका है, मेन सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म, पॉपुलर मोड इसका है ड्रिल एंड प्रैक्टिस. तो एक एक करके सबको देखते हैं. ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ट्यूटोरियल. ड्रिल एंड प्रैक्टिस का मतलब बार बार आप कंप्यूटर पे वो काम कर सकते हैं ना. देखिए इंसान के लिए, ह्यूमंस के लिए मुश्किल भी है और कंप्यूटर बिना थके बार बार आप कर सकते हैं उस पर. फिर ट्यूटोरियल, फिर सिमुलेशन. सिमुलेशन देखिए बहुत बार अक्सर सिमुलेशन को रोल प्ले के साथ देखा जाता है. सिमुलेशन मतलब कि कोई कुछ कर रहा है, हम उसकी नकल कर रहे हैं, उसकी कॉपी कर रहे हैं या उसका अनुकरण कर रहे हैं. इंस्ट्रक्शनल गेम्स, अब तो गेम बेस्ड टीचिंग लर्निंग की बात होती है. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग डेमॉन्स्ट्रेशन एंड मिनी प्रोग्रामिंग फॉर CAI. तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्या है? This area is considered to be the most frequently used in CAI, for it is used to reinforce regular classroom teaching as much and as often as necessary. देखिए teachers आपसे एक बार practice करा सकता है, फिर वो मान लीजिए अगर chalk and talk method चल रहा है, blackboard पे चल रहा है या white board, green board, किसी भी board पे चल रहा है, तो वो एक बार rub करेगा, erase करेगा, फिर आप करेंगे, फिर होगा. कितनी बार कर सकते हैं ना, मतलब इसकी एक limit है. लेकिन computer पे अगर वही course चल रहा है, वो programmed instruction है या कोई material है, कोई text है, उस पर आपको practice करनी, कोई quiz है for example, तो जितनी बार और जितनी frequently आप चाहें आप उसको use कर सकते हैं. Unlike human instructors, computers don't grow weary. वही बात हो रही है. The main objective of drill and practice is to provide. क्या provide करता है ये? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बार बार जो आप अभ्यास करते हैं या drill करते हैं, repeated practice. हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं. कहते हैं ना practice makes a man perfect. तो repeated practice और information to encourage. हमें क्या प्रोत्साहित करना चाहते हैं? Fluency. प्रवाह बन जाए हमारे पास, स्पीड ऑफ रेस्पॉन्डिंग, हम जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड करना सीख जाएं, एंड लॉन्ग टर्म रिटेंशन, और हम ज़्यादा समय तक उसको धारण रख सकें अपने साथ. इट हैज़ फॉलोइंग स्टेप्स, इसके कुछ स्टेप्स हैं, सारे जितने भी आपके मोड्स हैं सबके कुछ स्टेप्स हैं. सबसे पहले क्या होगा कि इंट्रोडक्टरी सेशन आपके सामने पेश किया जाएगा, जिसमें कि एक टाइटल पेज होगा, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमारे उद्देश्य क्या हैं, एंड डायरेक्शंस और उसमें दिशा निर्देश होगा, हाउ टू डू दी लेसन, कि आपको इस पार्ट को कैसे पूरा करना है, ये आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा. यानी कि सबसे पहले आपके सामने क्या आएगा, एक इंट्रोडक्शन आएगा. फिर सेलेक्ट आइटम, देखिए जब हम लोग ने आइटम एनालिसिस पढ़ा था तब भी हम जानते हैं कि आइटम का मतलब प्रश्न से है. सेलेक्ट आइटम, आप कोई भी प्रश्न चुनिए. द स्टूडेंट सेलेक्ट्स एन आइटम विच कुड बी अ क्वेश्चन, ये प्रश्न हो सकता है, समस्या हो सकती है या कोई और एक्सरसाइज हो सकती है. फिर क्या करें, क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्स, जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम या सवाल चुना है बच्चे ने, व्यक्ति ने, विद्यार्थी ने, उसको हम अलाउ करेंगे, मतलब कंप्यूटर अलाउ करेगा कि उसके लिए वो एक रेस्पॉन्स दे, चाहे कीबोर्ड से दे, जॉयस्टिक से दे, गेम पैडल्स के थ्रू दे, टच पेंस से दे, टच सेंसिटिव स्क्रीन से दे या वॉइस इनपुट डिवाइसेस से दे. फिर क्या करेंगे, जज रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स स्टूडेंट ने दिया आप उसको चेक तो करेंगे, इवैल्यूएट करके बताएंगे ना कि उसने सही किया गलत किया, उस पर कुछ आएगा ना, वाह, हुर्रे, यू हैव डन इट वेरी वेल, यू आर ऑन द टॉप, या अलास, सॉरी, यू हैव नॉट सेलेक्टेड द राइट वन, इस तरह से कुछ करके. तो द रिस्पॉन्स मस्ट बी जज्ड इंटेलिजेंटली,
और उसके बाद फीडबैक दिया जाएगा आपको, प्रतिपुष्टि दी जाएगी और फिर क्लोज कर दिया जाएगा. द साइकिल इज टू बी रिपीटेड अनटिल द स्टूडेंट डिसाइड्स टू टर्मिनेट, और व्हेन द स्टूडेंट डिसाइड्स टू टर्मिनेट, अच्छा ये दो बार हो गया, और व्हेन द स्टूडेंट हैज रीच्ड द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस. यानी कि या तो बच्चा खुद ही टर्मिनेट करके निकल जाए या वो एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस तक पहुंच जाए, तब तक आप इसको ड्रिल को प्रैक्टिस करते रहेंगे. यानी कि सबसे पहले आपके सामने एक इंट्रोडक्शन आया, फिर आपने एक प्रश्न चुना, आपने उसका रिस्पॉन्स दिया, उस रिस्पॉन्स को चेक किया गया, उसका फीडबैक मिला और तब आपने बंद किया उसको. तो ये क्रम, ये साइकिल है ड्रिल एंड प्रैक्टिस की. फिर क्या आएगा? ट्यूटोरियल. देखिए बहुत कुछ ड्रिल एंड प्रैक्टिस और ट्यूटोरियल एक जैसा लगता है, बट देयर इज अ डिफरेंस. ड्रिल एंड प्रैक्टिस एंड ट्यूटोरियल्स आर सिमिलर विद वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस. एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है इसमें. अ ट्यूटोरियल कैन स्टैंड अलोन एज एन इंस्ट्रक्शनल एंटिटी. यानी कि ट्यूटोरियल का मतलब क्या है कि उसमें कोई टेक्स्ट होगा ना जिसको कि आपको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, कोई कंसेप्ट है जिसका एक्सप्लेनेशन है, तो वो अकेले भी एक इंस्ट्रक्शनल एंटिटी की तरह काम कर सकता है. लेकिन ड्रिल एंड प्रैक्टिस के पास अपनी इटसेल्फ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो तो सिर्फ क्लासरूम टीचिंग का सप्लीमेंट है. जैसे टीचर ने कुछ पढ़ाया, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, कुछ एमसीक्यू है, कोई रिफ्लेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस एंड ऑल, और टू रीइंफोर्स लेसंस लर्न इन ट्यूटोरियल दिस स्टेप्स. अच्छा, इसके भी कुछ स्टेप्स होंगे. जैसे यहाँ पे भी इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, फिर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाएगी स्टूडेंट को, फिर स्टूडेंट इज देन टू परफॉर्म सम एक्शन, फिर स्टूडेंट को कुछ एक्शन लेना होगा, उस रिस्पॉन्स को जज किया जाएगा, और उस जजमेंट के हिसाब से या तो आपको कोई करेक्टिव फीडबैक मिलेगा, मतलब आपका सुधार किया जाएगा अगर आपने गलती की है तो, और या आपको रेमेडी उसके लिए प्रदान कर दी जाएगी. द नेक्स्ट स्टेप डिपेंड्स ऑन इफ द स्टूडेंट आंसर्ड एनफ क्वेश्चंस करेक्टली और द स्टूडेंट्स चॉइस टू आइदर मूव अहेड और टू रिसीव एनरिचमेंट मटेरियल. यानी कि देखिए, ये चूंकि टेलर मेड टेस्ट होते हैं ना, सेल्फ पेस से आप चलेंगे. यानी कि अगर आपने गलत आंसर कर, जैसे हम लोग ने PI में पढ़ते थे, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में, अगर हमने सही जवाब दिया तो हम दूसरे टेक्स्ट पे जाएंगे, गलत दिया तो हमको रेमेडी मिलेगी, इस तरह से चलता है ना. वही कह रहा है कि अगर आपने सही जवाब दिया या तो आप आगे बढ़ जाइए, या आप वो बार बार गलती कर रहे हैं तो आपको किसी इनरिचमेंट मटेरियल तक ले जाया जाएगा कि नहीं आप इसको पढ़िए, अगर आप में कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो. ओके, इन आइदर केस द एंटायर साइकिल ऑफ स्टेप्स 1 to 5 मस्ट बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर फॉर द लेसन टू बी इफेक्टिव. वो कह रहे हैं कोई भी केस हो, आप या तो सही जवाब आपने पर्याप्त दे दी हो या आपको इनरिचमेंट मटेरियल मिल रहा हो, आपको एंटायर साइकिल को बार कंप्लीट करना जरूरी है ताकि लेसन इफेक्टिवली कंप्लीट किया जा सके विद द हेल्प ऑफ ट्यूटोरियल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ CAI. फिर सिमुलेशन. सिमुलेशन क्या है? बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन ट्यूटोरियल्स, सिमुलेशंस शुड बी यूज्ड व्हेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स आर बीइंग लर्न्ड. दे मस्ट बी मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स. यानी कि कोई अर्थपूर्ण समस्या है उसका हम सिमुलेशन सिखा रहे हैं कि अगर आप इस जगह होते तो, है ना. सिमुलेशंस कैन टीच स्पेसिफिक मटेरियल्स, इसमें आपको कुछ विशिष्ट सामग्री सिखाई जाती है, बट देयर रियल एजुकेशनल पावर कम्स फ्रॉम देयर कैपेसिटी टू टीच अबाउट इंक्वायरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग. इसमें भी कुछ सेशन स्टेप्स होंगे. सबसे सब में देखिए इंट्रोडक्टरी स्टेप सेशन ही होगा जिसमें आपको मटेरियल को बच्चे के सामने पेश किया जाएगा. फिनोमेना यूजुअली ऑब्जेक्ट्स पीपल और इवेंट्स इज प्रेजेंटेड आइदर बाय अ डिस्क्रिप्शन और पिक्टोरियली. या तो कोई वर्णन आएगा आपको समझाने के लिए या कोई पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, फिर आपको कहा जाएगा कि आप एक एक्शन लीजिए, आप एक्शन लेंगे, फिर इंटरनल चेंजेस अकर इन द सिस्टम, सिस्टम में कुछ चेंज आएगा, ड्यू टू दीज चेंजेस द डिस्क्रिप्शन और पिक्चर ऑफ द फिनोमेना चेंजेस. और ये जो चेंजेस आएंगे उसकी वजह से वो डिस्क्रिप्शन जो या वो पिक्चर जो शुरुआत में आपको दिखाई गई थी वो भी चेंज हो जाएगी. तो स्टेप्स 2 to 6 ऑफ द साइकिल रिपीट अंटिल आइदर द सिमुलेशन इज टर्मिनेटेड बाय द स्टूडेंट और द सिमुलेशन इज आइदर सक्सेसफुली और अनसक्सेसफुली कंप्लीटेड. तो ये सिमुलेशन हो गया. फिर है इंस्ट्रक्शनल गेम्स. ये कह रहे हैं कि मेन डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शनल गेम्स एंड सिमुलेशंस इज इन सम केसेस द एडिशन ऑफ अनदर पर्सन और पर्संस एंड द कॉम्पिटिशंस दैट टेक प्लेस बिटवीन देम. देखिए गेम जब चलेगा तब तो कॉम्पिटिशन होगा. हम और आप भले पढ़ाई में ही गेम कर रहे हैं लेकिन हम कहेंगे देखिए कौन पहले लिखता है, कौन सबसे पहले याद कर लेता है, कौन कितने कम समय में आंसर करता है. तो इसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं और इसमें कॉम्पिटिशन होगा. तो इंस्ट्रक्शनल गेम्स और गेमिंग आर सिचुएशनल प्रोग्राम्स इन विच ए स्टूडेंट हैज टू नो सर्टेन फैक्ट्स. था यहाँ फैक्ट्स होगा. बी एबल टू परफॉर्म सर्टेन स्किल्स एंड डेमॉन्स्ट्रेट मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स. द फैक्ट दैट इंस्ट्रक्शनल गेम्स आर मोर इंगेजिंग दस इनकरेजिंग द स्टूडेंट टू कंटिन्यू टू यूज देम लॉन्गर इज द एडवांटेज दे हैव ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. मतलब
इंस्ट्रक्शनल गेम्स में चूंकि स्टूडेंट ज़्यादा इंगेज रहता है, इसलिए वो इनकरेज भी, मतलब इनकरेज होता है उसको यूज़ करने के लिए, उससे सीखने के लिए। और इसमें भी कुछ स्टेप्स होंगे, जैसे कि इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, फिर करेंट सिनेरियो जो होगा या तो डिस्क्रिप्शन या पिक्टोरियली दिखाया जाएगा जैसे कि सिमुलेशन में दिखाते थे। यहाँ भी आप एक्शन लेंगे, स्टूडेंट और दी ओपोनेंट एक्ट, या तो आप या आपका जो विरोधी होगा वो एक्ट करेगा, सिस्टम अपडेट होगा जो भी एक्शन लिया जाएगा उस हिसाब से, और चेंज्ड सिनेरियो इज प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट एंड द ओपोनेंट। और वो जो सिनेरियो बदल गया वो आपको और आपके ओपोनेंट को दिखाया जाएगा, और अपॉन कंप्लीशन ऑफ द गेम, और जब गेम खत्म होगा, द क्लोजिंग विल अनाउंस द आउटकम और द विनर। तो आप ये अनाउंस किया जाएगा कि इसका आउटकम क्या निकल के आया या कौन इस गेम का विनर रहा। फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इट मस्ट बी नोटेड दैट टेस्ट्स आर ओनली एज गुड एज द क्वेश्चंस दे कंटेन। वो कह रहे हैं कि परीक्षण कोई भी हो, चाहे कंप्यूटर आधारित परीक्षण हो या कोई भी परीक्षण हो, परीक्षण तभी अच्छा होता है जब उसके उसमें अच्छे क्वेश्चंस हो। मतलब अपने आप परीक्षण की कोई विशेषता नहीं है, अच्छे प्रश्न ही अच्छा परीक्षण बनाते हैं। तो अनलेस द स्टूडेंट डिजायर्स टू व्यू इट अगेन, एन आइटम इज ओनली शोन वंस ड्यूरिंग द टेस्ट एंड द फीडबैक इज प्रोवाइडेड ओनली एट द एंड ऑफ द टेस्ट, नॉट आफ्टर द सेपरेट आइटम। वो कह रहे हैं कि हर आइटम के बाद आप उनको फीडबैक मत दीजिए, आखिरी में दीजिए। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हमको सिमिलर है, ड्रिल और प्रैक्टिस से बहुत मिलता जुलता है। सॉरी, कुछ गले में खसाहट हो गई। फिर क्या बचता है आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेमोंस्ट्रेशन और मिनी प्रोग्राम। ये छोटा सा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन प्रॉब्लम सॉल्विंग रूल्स विच हैव ऑलरेडी बीन लर्न्ड आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू एंड हायर रूल। जो पहले से आपने सीखा है उसको कुछ मिला के कुछ नया कठिन हायर रूल बनाएंगे और उसको आपको सॉल्व करना सिखाया जाएगा। डेमोंस्ट्रेशन में आपको कुछ विजुअल प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा, और मिनी प्रोग्रामिंग में अगर टीचर कुछ CAI प्रोग्राम डिजाइन करना चाहता है, जैसे क्रॉसवर्ड पजल हो गया या वर्ड सर्च हो गया, तो वो बनाएगा और ट्यूटोरियल वो जो है वो असिस्ट करेगा टीचर को उसको पढ़ाने में। कहने का मतलब है, ये खत्म हो रहा है, कहने का मतलब है कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है, वो अनुदेशन जिसमें कंप्यूटर की सहायता से दिया जाएगा, टीचर को हेल्प करता है, स्टूडेंट को इंगेज रखता है, स्टूडेंट को पैसिव लर्नर नहीं बनने देता, एक्टिवली इंगेज रखता है, सारी बातें हैं। लेकिन आप इंगेज करेंगे कैसे, कौन कौन सी वो विधियां हैं, प्रविधियां हैं, तरीके हैं जो CAI के रूप में आप क्लास में इस्तेमाल करेंगे। तो आप बार बार इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल कर लीजिए, आप ट्यूटोरियल उस पर चला दीजिए, आप सिमुलेशन उस पर करा दीजिए कि कुछ पिक्चर या डिस्क्रिप्शन दिख रहा है आपको, उसकी जैसे एक्ट करना है। इंस्ट्रक्शनल गेम्स हो सकते हैं, कंप्यूटर आधारित परीक्षण हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेमोंस्ट्रेशन एंड मिनी प्रोग्रामिंग फॉर CAI, इतने ही कुल तरीके हैं जो कंप्यूटर्स असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के मोड्स बन सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए, पूछा जाए तो आप लिखिए, याद कीजिए, समझिए। देखिए, कई बार ज़रूरी नहीं है कि जिस हेडिंग के तहत हमने जो याद किया है वही हम उसके आंसर में लिखेंगे। आप इस लेवल तक पहुँच जाइए कि जब आप एक लेवल पर पहुँच जाएंगे ना, तो सारे टर्म्स आपको एक कोरिलेट होने लगेंगे। जो कहते हैं ना कि बाउंड्रीज हट जाएँ डिसिप्लिन के बीच की, तो सारे कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो किसी आंसर में, फिलोसफी में सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में रिसर्च, तभी लिखा जा सकता है जब आपको सब ज्ञान इस तरह से हो जाए, मतलब उस लेवल पर आप पहुंच जाए तो। ठीक है, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।